गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये देखिए कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान उसके अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं चार भाग हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित हम पहला जो है पाठ पढ़ रहे हैं और उस पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में ये जो है हम पालमपुर जो गांव है उसके बारे में जान चुके हैं। चूंकि यह पाठ जो है पूरी तरह से इसी गांव की कहानी पर ही आधारित है, इसी गांव के जो कहानी है उसके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो एक बार हम पुनः जो है इस गांव की विशेषताओं के बारे में जो है दोहराएंगे। आप लोग को ध्यान से इसको अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर ये पूरी बातें आपको नहीं मालूम रहेगी तो फिर आगे समझने में दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए, इस पाठ को पढ़ने का हमारा मूल उद्देश्य है कि जो उत्पादन होता है, कोई किसी चीज का हम उत्पादन करते हैं उसके बारे में हम समझें, उससे जो संबंधित सारे विचार को समझें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पालमपुर गांव की कहानी। बताया गया है एक गांव है पालमपुर, उस पालमपुर में जो है एक ऊंची जात छोटी जात दोनों तरह के लोग जो रहते हैं। वह गांव जो है सड़क से जुड़ा हुआ है, उसके अगर पालमपुर गांव है तो इससे जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है रायगंज कस्बा है और इसी से जुड़ा हुआ है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। उसी से एक और बाजार है साहपुर, जहां पर जो है व्यापारी अपना सामान ले जा करके जो है बेचते हैं। ये जो है जैसे गुड़ हुआ, गन्ना हुआ, उस साहपुर में बेचते हैं। अब देखिए वहां पर अब इससे स्पष्ट हो गया कि यहां तक उस दिन बताया गया था कि इस पर ट्रक है, बस है, ये जो है मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये सब सड़कों पर चलते हैं। इसका मतलब है कि ये पक्की सड़क है, इससे तो स्पष्ट है होता है। यह जो सड़क बनी हुई है पालमपुर से रायगंज और सहरसा को जोड़ने वाली, यह जो है सड़क पर पक्की है। इस पालमपुर के आस पास और भी गाँव है, उससे यह गाँव जो है जुड़ा हुआ है। अब इसमें ये भी बताया गया कि गांव में कुल 450 परिवार हैं, 450 परिवार रहते हैं, जिसमें कि 80 जो है उच्च जाति के, 80 परिवार उच्च जाति के हैं और बाकी छोटी बिरादरी या अनुसूचित जाति के दलित हैं। इस तरह जो उच्च जाति के परिवार हैं उनके पास भूमि का ज्यादा हिस्सा है, भूमि उन्हीं के पास ज्यादा है। जो दलित जाति के हैं उनके पास बहुत ही कम भूमि है या है ही। अब जरा ये भी ध्यान दीजिए, जो उच्च जाति के लोग हैं उनका मकान जो है, उनका मकान एक पक्की ईंटों का बना हुआ है, और जो दलित जाति के हैं उनके मकान जो है घास फूस मिट्टी के बने हुए हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था है, बिजली लगभग सभी घरों में है, और जो सिंचाई है नलकूपों के द्वारा गांव में
खेतों की सिंचाई जो है नलकूपों के द्वारा होती है, एरिए में जाना। गांव में जो है एक हाई स्कूल है, एक जो है दो प्राथमिक विद्यालय है, इस तरह से। और ये चिकित्सालय भी है, प्राइवेट चिकित्सालय भी है। इस तरह से देखें तो हमारे गांव में, हम अपने गांव, अपने आसपास के गांव की आप तुलना करके देखिए, ऐसे ही गांव में आपको ऋण मिल सकता है, थोड़ा कम या ज्यादा। भारत के गांव भी इसी तरह के मिल सकते हैं। अब चलिए, ये तो बात हुई पालमपुर गांव की जो विशेषता है। अब इसमें एक चीज बताया गया कि उसमें पालमपुर गांव की जो है मुख्य ये जो क्रिया है या मुख्य कार्य जो है खेती है, और ये जो है इसके साथ साथ परिवहन है, मतलब आने जाने का जो साधन है उसके द्वारा सामान ले जाना ले आना, और ये व्यवसाय है, दुकानदारी है, डेयरी है, मतलब दुग्ध उद्योग, ये सब दौड़। तो वहां पर दो तरह की क्रियाएं हो रही है, एक तो है मुख्य क्रिया खेती, और गौर क्रिया में जो है ये दुग्ध व्यवसाय, परिवहन, दुकानदारी, ये सब। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मुख्य व्यवसाय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पालनपुर जो खेती होती है, पालनपुर में खेती, अब उसके बारे में पढ़े किस तरह से खेती हो रही है, क्या समस्याएं हो रही है, उत्पादन हमारा कैसे हो रहा है। एक चीज और है, उत्पादन के कारक के बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। ये हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इसी से संबंधित पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ पिछले वीडियो को। आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को बैठा ली, ये बताया गया उत्पादन के कारक, उसमें बताया गया आपको पहले भूमि बताया गया, फिर दूसरा जो है श्रम, उसमें भी दो तरह के श्रम की बात की गई, एक मानसिक श्रम एक शारीरिक श्रम। जो कोई भी कार्य होता है तो उसमें कुछ पढ़े लोग लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है, कुछ शारीरिक श्रम करने वालों की भी आवश्यकता होती है। तो ये इसमें इस गांव में जो है दोनों तरह लोग हैं। अभी श्रम की बात हुई, मतलब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए पहले तो भूमि चाहिए, ये तो अनिवार्य है। दूसरा चीज श्रम चाहिए, और तीसरा ये जो है भौतिक पूंजी की बात की गई। भौतिक पूंजी में भी दो तरह की पूंजी की बात की गई, एक जो है अस्थाई पूंजी, जैसे भूमि हुई, जैसे भवन हुआ, औजार हुए, मशीन हुए, मतलब छोटे बड़े जो भी औजार हैं, मशीनें हैं, ये सब अस्थाई पूंजी होती है, क्योंकि यह जो है किसी भी उत्पादन क्रिया में तुरंत समाप्त नहीं होती है, ये आगे भी काम कर रही है, इसलिए इनको अस्थाई पूंजी कहा जाता है। और दूसरा जो है आपको बताया गया कार्यशील पूंजी, ये जो है कार्यशील पूंजी बताया गया। कार्यशील पूंजी मतलब जो उत्पादन के दौरान ही खत्म हो जाती है, उसको जो है कार्यशील पूंजी, जैसे कच्चा माल हुआ, कोई किसी चीज को हम बनाएंगे तो उसमें कच्चा माल की जरूरत होगी, और पैसा नगद जो मुद्रा होती है, नगद मुद्रा, इसकी भी जरूरत होती है। देखिए ये सब उत्पादन क्रिया के दौरान ही खत्म हो जाता है। अभी ये तो आपको इसके अलावा चौथी आवश्यकता के बारे में बताया गया उत्पादन कार्य में, ये है मानवीय पूंजी की, मतलब ये जो सामान कोई वस्तु जो है उत्पादन अगर हम करेंगे तो उसको उपभोग के लिए या स्वयं उपभोग के लिए या जो है ये बाजार में पहुंचाने के लिए ये किसी भी जो है जरूरत होती है, ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो इस तरह से ज्ञान हो, जिसके पास तकनीकी ज्ञान हो, कर सकता हो, इसी का नाम हम लोग दिए थे मानवीय पूंजी। ये मानवीय पूंजी इस तरह से, तो ये उत्पादन के चार कारक आपको बताए गए थे, भूमि, श्रम और ये भौतिक पूंजी जो है उसको पूंजी ही कहते हैं, ये जो है इसको पूंजी ही कहा करेंगे हम लोग।
तू और एक जो है मानवी पुत्र तू। अब हम आगे हम पढ़ेंगे जो पालनपुर है, पालनपुर गांव है, उसमें जो खेती हो रही है उसमें जो है उस खेती को हम ये जो है सात भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे। पहला तो है कि भूमि स्थिर है, दूसरा क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, मतलब भूमि स्थिर है, जब भूमि स्थिर है तो क्या उसी भूमि से हम अधिक पैदावार कर सकते हैं, कोई उपाय है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम करें क्या भूमि का धारण कर पाएगी, अगर जो भी उपाय हम बता रहे हैं आगे बताया जाएगा तो उसके लिए क्या कर रहा है कि क्या भूमि इसको सहन कर पाएगी, ये जमीन उसको धारण कर पाएगी। और फिर अगला पालनपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, ये जो है भूमि का वितरण किस तरह से हुआ है, ये किनके पास ज्यादा जमीन है, किनके पास कम है, इनके इसके बारे में पढ़ेंगे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, अगले पॉइंट में खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से आएगी इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अधिशेष होगा, जो हमारे खाने से हमारे उद्योग से जो अधिक होगा उसको जो है उन कृषि उत्पादों की हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे या क्या करेंगे, ये सब सारी बातें जो है आगे होगी। इसमें हम पहले पहला जो पॉइंट है भूमि स्थिर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पालनपुर की जहां तक बात है, यह पहला पॉइंट पढ़ेंगे भूमि स्थिर है, क्या मतलब है इसका, बहुत सामान्य सा है, आप लोग समझ रहे होंगे ये भूमि स्थिर है से क्या मतलब है। देखिए बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी प्रकृति में, या ऐसे ये जो है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि ऐसी है, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। तो जो बात गई बात हम पालनपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पालनपुर में एक आगे भूमि स्थिर है, इससे भाई क्या फर्क पड़ने वाला है भूमि स्थिर है। देखिए पालनपुर जो गांव है उसमें जो है 75% लोग जो है ये खेती पर कृषि पर ही निर्भर हैं, खेती पर ही निर्भर, ये जो 75% लोग जो है खेती पर निर्भर हैं उनका जो है आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। तो ये भी जानिए कि जनसंख्या की हमारी प्रवृत्ति होती है, ये जो है इसको कहा जाता है कि ज्यामिति, ज्यामिति में पड़ती है। अभी आज एक है, एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा, आठ से सोलह, इस तरह हमारी ज्यामिति, आप लोग भी गांव में देखते हो इस तरह से पड़ती है। लेकिन कृषि का उपज जो है, कृषि उपज जो है गणती ढंग से बढ़ता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस चीज को हम जाने। तो ये जो है भाई कुछ दिनों के बाद ऐसा है कि मान लीजिए 75% लोग जो है उस खेती पर निर्भर हैं, तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी तो और वहां पर उनको रहन सहन उनका भी प्रभावित होगा, उनको और कुछ ये जो है बहुत कुछ हमको जो है चाहिए और हमको पैदावार चाहिए। तो समस्या तो ये है, एक खेती की ये जो कृषि की एक मूलभूत समस्या, बहुत बड़ी समस्या कि भूमि जो है इसकी उसको हम बढ़ा नहीं सकते। चलिए पालनपुर के विषय में हम देखते हैं पालनपुर गांव में जो है अब कोई अधिशेष भूमि नहीं है, जो भी भूमि है उस पर खेती की जा रही है। ये 1960 के दशक में जो भी बंजर भूमि थी उसको खेती के लिए बना दिया, तो अब भूमि वहां पर नहीं, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, तो क्या कोई तरीका है बढ़ाने का। अब वहां पर जो है 200 एकड़ की बात है कि 200 हेक्टेयर जो वहां पर भूमि है, हेक्टेयर समझ रहे हैं,
अब ये समस्या आ गई, हेक्टेयर जान लीजिए, हेक्टेयर जो है मानक इकाई है, भूमि को मापने की मानक इकाई है हेक्टेयर। तो इस हेक्टेयर के बारे में ये जो है हमको तो जानना, सभी लोग भूमि से संबंधित है, सभी लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होगी, ये तो जो जिससे हम मापते हैं उसको उस चीज को जानना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी। गांव में जो है हेक्टेयर के अलावा जो है एकड़ में खेतों को मापा जाता है, बिस्वा में मापा जाता है, गुंठा में मापा जाता है, इस तरह। लेकिन जो मानक इकाई है, जो पूरे भारत में सार्वभौमिक मानक इकाई है, वह हेक्टेयर। खेतों की माप जो है हेक्टेयर के बारे में जानना तो हमें भाई बहुत जरूरी है। तो पहले ये जान लीजिए, ये हेक्टेयर होता है, इस चीज को समझिए आप लोग, ये 10,000 वर्ग मीटर का जो है एक हेक्टेयर होता है, 10,000 वर्ग मीटर का जो है एक हेक्टेयर जो होता है, एक आदमी के आप लोग सीधे कोई वर्गाकार अगर खेत है 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, वह जो है एक हेक्टेयर होगा। और एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, 4 बीघा का जो है एक हेक्टेयर होता है, आप लोग ये भी जानते हैं, 20 बीघे का एक बीघा भी होता है, और ये जो है 32 बीघे का जो है एक एकड़ होता है। तो हेक्टेयर जो है गांव की ये मानक इकाई है। तो अब ये जानिए कि जो हमारी भूमि स्थित है उसको उसका उत्पादन हम किस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरह से ये जो है हम और उत्पादन जो है प्राप्त करेंगे जिससे जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। तो चलिए फिर अगले वीडियो में जो है हम ये दूसरे पॉइंट या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, इस चीज पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।